ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम श्री रामाय नमः। दोस्तों, श्री राम नाम का जप मात्र करने से मनुष्य के समस्त पापों का विनाश हो जाता है। अंत में मनुष्य को श्री राम का स्मरण मात्र करने से ही गति प्राप्त होती। श्री रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर रूप से विवेचन करते हुए महामुनि तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है, जाग बलिक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी। उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उस राम कथा को सुने। शंभु किनह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, सोई शिव काग भुषुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चिन्हा। स्वयं शंभु जो कि श्री राम कथा के डायरेक्शन का निर्माण कर रहे हैं, इस कथा का निर्माण कर रहे हैं, उन्होंने श्री राम कथा के सुहावने चरित्र को स्वयं रचा, फिर कृपा करके उमा माँ पार्वती को सुनाया। वहीं चरित्र शिवजी ने काकभूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर सौंप दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिनह पुनि भारद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बकता समसीला, संव दर्शी जानहि हरि लीला। उन काकभूषणी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को संपूर्ण रूप से जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना, औरौ जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों लोकों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सु कर खे, समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहे हो अचेत, तब अति रही हूँ अचेत। फिर वही कथा मैंने वारहा क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझ नहीं सका। श्रोता बकता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, किमि समझू मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जीव, जड़ जीव, भला उसको कैसे समझ सकता हूँ। जय सियाराम, जय सियाराम।